हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम समझेंगे प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। देखिए, ये टॉपिक मैंने आपको CDP में भी कराया है, लेकिन यहाँ पे एक तो आपका इस टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा, दूसरी बात है कि किस तरह से मैथ में इसमें क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो इस टॉपिक के मैं लगभग 2-3 पार्ट बनाऊँगी, जिसमें मैं पूरा जो है मैथ कि किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक में इंक्लूड रहेगा कंटेंट मैटर। साथ में मैं आपके एंड में क्वेश्चन भी करा दूंगी जब ये टॉपिक फिनिश होगा तो। ठीक है, आपने देखा होगा कि अक्सर क्वेश्चन आता है कि प्याजे बच्चा जो है वो ऐसे ऐसे प्रदर्शन करता है, तो वो प्याजे की किस अवस्था के स्तर में है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो आए हैं संज्ञानात्मक विकास की दृष्टि से कि बच्चा जो है वो किस स्टेज में गणित में कैलकुलेशन करना सीख जाता है, या मूर्त क्रियाएं जो हैं वो सॉरी अमूर्त गणितीय संकल्पनाओं को सीख जाता है। तो ये सारे इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि प्याजे की जो विकास की अवस्थाएं हैं उनमें बच्चे का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, जो मेंटल डेवलपमेंट है ना, संज्ञान क्या है, उसकी सोच, उसकी समझने की शक्ति का डेवलपमेंट तो वो किस तरह से होता है। तो प्लीज़ आप इसके सारे पार्ट्स को देखिएगा, अक्सर इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो फंस ही जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्याजे के बारे में कि प्याजे और बर्नर थे ये विश्वास करते थे कि किसी भी स्थूल वस्तु यानी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, स्थूल जो आपके सामने है जिसे आप छू सकते हैं देख सकते हैं, कि हस्त कौशल के द्वारा उत्पन्न समझ ही व्यक्ति के ज्ञान और सोच के आधार का निर्माण करती है। यानी जब कोई व्यक्ति जो होता है किसी चीज़ को देखता है तभी उसका जो है सोच डेवलप होती है। जब उसने किसी चीज़ को देखा तब वो सोचेगा ये क्या है, ये कैसा है, ऐसा क्यों है, ये क्या करता है, जो भी थॉट्स हैं वो उसके माइंड में आना शुरू होते हैं। तो ये जो प्याजे थे वो कहाँ के थे, स्विट्ज़रलैंड के थे, बाल मनोवैज्ञानिक थे। प्याजे ने सुझाव देते हुए कहा कि बच्चे के सोचने की शुरुआत 2 प्रक्रियाओं से होती हैं। ठीक है, तो जो बच्चा सोचना शुरू करता है जब पैदा होता है, इसके धीरे धीरे क्या होता है, उसके माइंड का डेवलपमेंट होता है, उसकी सोचने की शक्ति का डेवलपमेंट होता है। तो वो जो है सोचने का शुरुआत जो होती है वो 2 प्रक्रियाओं से होती है। एक है अवबोधन, जिसको परसेप्शन कहते हैं इंग्लिश में, और दूसरा है निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अवबोधन क्या है, किसी वस्तु के संपर्क में आने से प्राप्त ज्ञान। ठीक है, परसेप्शन यानी जब आपने कोई ठोस वस्तु देखी और उसके संपर्क में आ पाए तो आपके उससे आपके माइंड में क्या है, एक थॉट प्रोसेस हुई। ठीक है, आपके मन में एक ज्ञान उत्पन्न हुआ। अब निरूपण क्या हो गया, समझी गई वस्तु की मानसिक कल्पना। अब आपने उस वस्तु को देख लिया, ठीक है, अब आपकी माइंड में उसकी एक छवि बन गई, ठीक है, कल्पना बन गई, तो वो हमारा हो गया निरूपण। तो जो सोचने की क्षमता क्या होती है वो 2 प्रक्रियाओं से होती है, अवबोधन और निरूपण से। यानी पहले आप किसी चीज़ को देखेंगे उससे आपके मन में ज्ञान आएगा। मान लिया आपने छोटा बच्चा है, उसने किसी खिलौने को देखा तो उसके माइंड में एक ज्ञान आ गया कि ये कोई चीज़ है। फिर क्या है, फिर दूसरा निरूपण, कि आपके मन में एक कल्पना बन जाएगी उस वस्तु की, एक मानसिक कल्पना बन जाएगी कि हाँ ऐसी कोई चीज़ होती है जिससे हम खेलते हैं, ये खेलने की कोई चीज़ है। अब नेक्स्ट टाइम आपके सामने वो चीज़ आएगी तो आप उस समझ जाएंगे कि ये कौन सी चीज़ है। तो प्याजे ने क्या किया कि प्याजे ने जानने या संज्ञानात्मक प्रक्रिया यानी ये जो सोच है, जो समझ है, उसकी संरचना की अवधारणा प्रस्तुत की। यानी बताया कि किस तरह से एक बच्चे में सोचने समझने की जो शक्ति है, यानी कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो किस तरह से होता है, उसका विकास किस तरह से होता है। प्रत्येक बच्चा एक मानसिक संरचना रखता है। उन्होंने ये जो प्रयोग है वो अपने 3 बच्चों पर ही किए थे। ठीक है, उनको बचपन से ही उन्होंने नोटिस किया और उसके बाद फिर अपने इस सिद्धांत को दिया। तो उन्होंने क्या बताया कि प्रत्येक बच्चा एक मानसिक संरचना रखता है, यानी हर एक बच्चे का जो माइंड है उसकी संरचना अलग अलग तरह की होती है। हर एक बच्चे में क्या होती है, मानसिक संरचनाएं होती है, मेंटल स्ट्रक्चर होते हैं जिसको स्कीमा कहते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं माइंड के छोटे छोटे हिस्से होते हैं जिनमें कोई भी चीज़ वो देखता है, जो ज्ञान है उसको वो वहाँ पे स्टोर कर लेता है। वह सक्रिय हो जाता है जब वह किसी वस्तु, प्रक्रिया या घटना के संपर्क में आता है। यानी कि जब वो कोई नई चीज़ देखता है, कोई घटना या किसी वस्तु या किसी कोई क्रिया उसके सामने हो रही है, उसके संपर्क में आता है, तो उसकी जो मानसिक संरचना यानी स्कीमा जो है वो कैसे हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि अब क्या होगा, उनमें कोई चीज़ स्टोर होगी, किसी कोई नॉलेज स्टोर होगी। तो बच्चा एक साथ 2 प्रक्रियाएँ
आत्मसातकरण और समायोजन के बीच संतुलन करता है। तो अब ये जो स्थिति है कि जब उसके सामने कोई चीज़ आई नई या कोई घटना घटी उसके सामने या कोई क्रिया हुई, तो क्या होता है उसकी मानसिक संरचना क्या है, एक्टिव हो गई, और फिर वो क्या करता है, एक साथ दो प्रक्रियाओं या दो क्रियाएं होती हैं आत्मसातकरण और समायोजन, उनके बीच में संतुलन करना शुरू कर देता है। अब इन दोनों वर्ड्स को आप बहुत अच्छे से देखिएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं एसिमिलेशन और रिकमेंडेशन पर, आत्मसातकरण और समायोजन पर। क्या चीज़ है, ठीक है, आत्मसातकरण अपनी मानसिक संरचना के द्वारा प्राप्त की गई वस्तु प्रक्रिया या घटना की व्याख्या करना, ठीक है। तो आत्मसातकरण क्या है कि जैसे ही आप कोई नया ज्ञान देखते हैं यानी नई चीज़ देखते हैं, कोई नई घटना नई वस्तु देखते हैं, तो आपको क्या है, आपका माइंड एक्टिव होता है, ठीक है, और आप उसके लिए कोई एक नया रचना सॉरी कोई एक नई ज्ञान जो होती है या व्याख्या कह सकते हैं आप, उसको अपने माइंड में सेट कर लेते हैं, यानी नया ज्ञान जैसे ही आप अर्जित करते हैं। जैसे एक बच्चा है, सबसे पहले उसके सामने एक हमने बॉल लाई, उससे पहले तो उसने बॉल को देखा ही नहीं था, तो उसने अब क्या कर लिया, उससे हमने उसे बॉल से खिलाया, खेलने के लिए दिया, खेल के दिखाया, तो उसने क्या किया, इस बात को आत्मसातकरण कर लिया कि ये जो है कोई खेलने की चीज़ है, ठीक है, तो ये क्या है, उसके लिए एक नया ज्ञान है। तो आत्मसातकरण क्या होता है, किसी भी नए ज्ञान को अपने स्कीमा में स्टोर करना की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, आत्मसातकरण होती है। दूसरा आता है समायोजन, किसी वस्तु घटना या प्रक्रिया की व्याख्या की विद्यमान संरचना को रूपांतरित करना। समायोजन यानी कि अब जो आपके पहले से आपके पास कोई ज्ञान था, जो नया ज्ञान आपने स्टोर किया आत्मसातकरण के द्वारा, ठीक है, उस नए ज्ञान में कुछ भी मॉडिफिकेशन करना, यानी उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ और पता चला बाद में, तो उसको आपने क्या कर लिया, अपने नए ज्ञान में जोड़ लिया। तो नए ज्ञान में मतलब जो आपके पुराना ज्ञान था उसमें जोड़ लिया, तो पुराने ज्ञान में कोई नई बात को जोड़ना जो है वो आपका समायोजन कहलाता है। इसमें क्या करते हैं, आप अपने पुराने ज्ञान में कुछ रूपांतरण करते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया यहाँ पे बच्चे को बताया था, दिखाया बॉल, और उसको पता चल गया कोई नहीं, ऐसा समझ लीजिए कोई खेलने की चीज़ है, कोई हमने शुरू में क्या दिखाया, बच्चे को बॉल दिखाई गोल गोल, उसने देख लिया कि ये कोई चीज़ है, ठीक है, और दूसरी बार हमने उससे खेल के दिखा दिया, तो अब पुराना ज्ञान क्या था उसका कि ये कोई चीज़ है, और नया ज्ञान क्या हो गया कि इससे खेला जाता है। एक सिंपल वे में मैं आपको बताऊं कि आपने एक बच्चा था, उसको आपने डॉग दिखाया, ठीक है, आप मान लिया आपके घर में एक पालतू डॉग था, तो उसने देखा कि हाँ ये एक जानवर है, इसके चार पैर हैं और मुँह है, पूँछ है, इस तरह से, ठीक है। फिर आप उसे बाहर पार्क में ले गए, ठीक है, उसने फिर वहाँ पर क्या देखा, उसने मान लिया बकरी देखी, ठीक है, अब उसे लगा बकरी भी जो है वो डॉग ही है, क्योंकि उसने तो देखा था कि चार पैर का एक जानवर है और जिसकी पूंछ है वो क्या है, कुत्ता है, लेकिन फिर आपने क्या बताया कि ये क्या है, डॉग नहीं है बल्कि ये क्या है, बकरी है। अब आपने समझाया कि डॉग जो होता है वो क्या करता है, बार्क करता है, भौंकता है, बकरी जो है मैं करती है, दोनों में डिफरेंस को समझा दिया। तो अब उसने क्या कर दिया, अपना जो पुराना उसका जो यहाँ पे क्या था, उसने जिस भी ज्ञान को आत्मसरण किया था कि एक डॉग होता है, उसके चार पैर होते हैं और ऐसा, उसमें अब अपने समायोजन किया एक नए ज्ञान को कि वो क्या है, वो भौंक सकता है, ये उसका नया ज्ञान था। यानी पुराना ज्ञान जो था उसमें जब आप किसी नई चीज़ को ऐड करते हैं तो वो होता है हमारा समायोजन, यानी मॉडिफिकेशन करते हैं आप, उसको मॉडिफाई कर लेते हैं ऐसे धीरे धीरे, ये जो प्रोसेस है हमेशा चलती रहेगी। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में नई नॉलेज मिलेगी तो आप उसमें ऐड करते जाओगे कि अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा भी कर सकते हैं। और आत्मसातकरण क्या हो गया, कोई भी नई नॉलेज जो आपको मिली है आपने अपने स्कीमा में स्टोर की है, तो उस नई नॉलेज को पता करना या उसकी व्याख्या करना, उसको जान लेना आत्मसातकरण होता है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अब क्या मैंने यहाँ बताया था कि बच्चा जो होता है वो एक साथ दो प्रक्रियाओं यानी आत्मसातकरण और समायोजन के बीच में संतुलन करता है। अब इन दोनों के बीच में वो संतुलन भी बैठाएगा, क्योंकि संतुलन बिठाना ज़रूरी है, वरना क्या होगा, वो कन्फ्यूज रहेगा, ठीक है। संतुलन बिठाना क्या है कि जैसे उसे पता था कि कुत्ता डॉग जो है वो ये है, उसके बाद उसे पता चला कि ये बकरी है, तो उसने उसके बीच में क्या आ गया, असंतुलन आ गया, लेकिन उसकी माँ ने बता दिया कि नहीं, डॉग जो होता है वो भौंकता है और बकरी जो है वो मैं करती है, तो उसने इस बात को जान लिया कि दोनों में डिफरेंस है, उसने अपना मॉडिफाई कर लिया अपने ज्ञान को,
और क्या कर लिया, इक्विलिब्रियम कर लिया, यानी संतुलन बिठा लिया अपने ज्ञान में कि नहीं ऐसा कुछ, कोई भी जो भी असंतुलन आया था उसको दूर कर दिया। तो जब बच्चा वस्तु को आत्मसात करने की कोशिश कर रहा होता है तब वह अनुकूलन कहलाता है, यानी आत्मसात। अब देखिए, जब वो नए ज्ञान को अर्जित कर रहा होता है तो वो क्या करता है, अनुकूलन करता है। अनुकूलन यानी अडेप्टेड हो जाता है, सीख लेता है पूरी तरीके से कि हाँ ये कुत्ता है, ये डॉग है जिसके चार पैर हैं और पूंछ है और एक क्या है फेस है, तो उस बात को उसने आत्मसात कर लिया, पूरी तरह से अनुकूलित हो गया कि हाँ ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिखेगा मुझे तो वो क्या है डॉग ही होगा। तो यहाँ पे तो क्या है, वो पूरी तरह से अडेप्टेड होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो कैसा आ सकता है कि अनुकूलन की अवस्था जो है वो कब होती है, तो आत्मसातकरण के की का जो प्रोसेस हो रही होती है जब, तभी अनुकूलन होता है। क्योंकि अगर अनुकूलन नहीं होगा तो क्या, आपने जो नया ज्ञान अर्जित किया उसे आप आपके माइंड में सेट नहीं करोगे तो क्या होगा, वहाँ पे बैलेंस नहीं रहेगा। मतलब आप बार बार फिर नई नया ज्ञान आपको अर्जित करना है तभी तो आप उसको आगे मॉडिफाई कर पाओगे। तो अर्जित किसको ही, आपने ज्ञान अर्जित किया और उसको पूरी तरह से क्या कर लिया, उसको पूरी तरह से ग्रहण कर लिया, तो वो क्या कहलाएगा, अडेप्शन कहलाएगा। जैसे आप मान लिया नई जगह पे जाते हो रहने, ठीक है, और वहाँ की जलवायु अलग है, वहाँ का वातावरण अलग है, तो धीरे धीरे क्या करते हो आप उसके, उसको पूरी तरह से जान लेते हो, उसमें रहना सीख लेते हो, उसके प्रति कैसे हो जाते हो आप, अनुकूलित हो जाते हो। तो वही है कि जो नया ज्ञान आता है यानी आत्मसातकरण करता है उस ज्ञान को, उसी समय क्या होता है वो अनुकूलन भी हो जाता है उस ज्ञान का। अडेप्टेशन को समझते हैं, अपेक्षाकृत स्थायी संरचना, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो भी उसने ज्ञान सीखा है उसको क्या कर लेता है, वो स्थायी कर लेता है, ठीक है। समायोजन और आत्मसातकरण के बीच संतुलन को पहचानने की प्रक्रिया को साम्यकरण यानी इक्विलिब्रियम कहते हैं। देखिए मैंने बताया था ना कि समायोजन और आत्मसातकरण के बीच में क्या है, बच्चा इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यकरण करने की कोशिश करता है, जो प्याजे के संज्ञानात्मक विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर एक बच्चा ने अपने पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को मॉडिफाई नहीं किया, नया ज्ञान को जोड़ा ही नहीं, तो क्या है वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा, ठीक है, वो क्या नहीं कर पाएगा, वो इक्विलिब्रियम या साम्यकरण नहीं कर पाएगा। तो ये प्रक्रिया जो है संतुलन करने के लिए, संतुलन नहीं कर पाएगा तो कंफ्यूज रहेगा, तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चा अगर उसका संज्ञानात्मक विकास हो रहा है तो वो संतुलन करना सीख ले, ठीक है। प्रत्येक प्रक्रिया में और सोचने के प्रत्येक अवस्था पर प्रत्येक बच्चे का अपना एक विशिष्ट तरीका होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही बताया प्याजे जी ने कि हर एक बच्चे की जो मानसिक संरचनाएं होती है वो अलग अलग तरह की होती है, तो हर एक बच्चे का जो ये जो लैब डिफरेंट डिफरेंट प्रतिक्रियाएं हैं उनके प्रति सोचने या उनका जो अवस्थाएं हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनका डेवलपमेंट विशिष्ट प्रकार से होता है। ज़रूरी नहीं है कि सेम एज में सारे बच्चे जो हैं वो उस चीज़ को सीख जाएँ, ये निर्भर करता है उनकी मानसिक संरचना पे। देखा होगा आपने कुछ बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं डेढ़ साल की उम्र में, कुछ बच्चों को दो साल के हो जाते हैं तब भी नहीं बोलते, तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो उनकी मानसिक संरचनाओं पे निर्भर करता है। एक विशिष्ट तरीका होता है सबके सीखने का। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि सोच को विकसित करने के दो मूलभूत प्रक्रियाएँ क्या हैं, ठीक है। सोच को विकसित करने की दो मूलभूत प्रक्रियाएँ क्या है मैंने बताई आपको, एक है अवबोधन और दूसरा है निरूपण। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। तो अवबोधन क्या होता है कि जैसे ही आपके सामने कोई नई चीज़ आती है तो आप एक ज्ञान है उसको स्टोर कर लेते कि हाँ ये कोई चीज़ है, और निरूपण क्या है कि आप उसकी एक काल्पनिक छवि अपने माइंड में सेट कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम आप उसे पहचान लें। उसके बाद है ऐसा कौन सी दो विधियां हैं जिनके बीच संतुलन सोचने की मूल प्रक्रिया क्रियाओं को स्थापित करता है। अब संतुलन किन के बीच में बिठाया जाता है, तो समायोजन और आत्मसातकरण के बीच में संतुलन बिठाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप प्याजे के सिद्धांत को पढ़ रहे हो आपको पता होना चाहिए कि समायोजन क्या है, आत्मसातकरण क्या है, साम्यकरण क्या है और अनुकूलन क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, यानी उन्होंने फोर स्टेज दी प्याजे जी ने। उन्होंने बताया कि जो बच्चों का जो ज्ञान का विकास होता है या संज्ञानात्मक विकास होता है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है। तो उन्होंने क्या किया कि अलग अलग आयु वर्ग के बच्चे सोचने के विभिन्न रूपों को प्रदर्शित
करते हैं। प्याजे ने अपने 3 बच्चों का जन्म से निरीक्षण किया और पाया कि बच्चे सोचने या संज्ञान के विकास में कुछ विस्तृत स्तरों या कालों का अनुसरण करते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस को शो करते हैं। उन्होंने फिर इनको 4 स्तरों में या 4 कालों में बांट दिया। पहला था संवेदी क्रियात्मक काल, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होता है। ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार कि संवेदी क्रियात्मक काल जो है या जन्म से 2 वर्ष तक का काल क्या कहलाता है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये पूरा चार्ट। तो पहली अवस्था है संवेदी क्रियात्मक काल, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है। दूसरी है पूर्व संक्रिय काल, जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। तीसरी है मूर्त संक्रिय काल, जो 7 से 11 वर्ष तक होती है। और चौथी है औपचारिक संक्रिय काल, जो कि 11-12 वर्ष से 14-15 वर्ष तक होती है। तो ये चारों स्टेज जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है, किस किस चीज़ का डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम, वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं मैथ में वो ऐसे ही आएंगे कि बच्चा जो है आकृतियों की पहचान करना किस स्टेज पे सीखता है, या 2D और 3D आकृतियों में अंतर करना किस स्टेज पे सीखता है, ठीक है, या फिर बच्चा कब समझ जाता है वो मात्रा, संख्या और मात्रा का संरक्षण करना कब सीखता है, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चन जो आएंगे वो आप जब ये स्टेजेस सीखेंगे, इसके बाद गणितीय अवधारणाओं का भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। उन ये आप टोटल 3 या 4 वीडियो बनेंगे, पर आप प्लीज़ इन चारों वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छे से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे मैं वीडियो ख़त्म करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये स्टेजेस जो हैं वो समझाऊँगी अच्छे से। ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।